بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. पिछले दर्स के अंदर 5वीं सदी हिजरे के एक शायर जिसका नाम है शरीफ अब्बासी या शरीफ हाजी, उसके अशार में से कुछ लाइनें हम पढ़ रहे थे। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज उसी के अशार के कुछ और लाइनें आज हम पढ़ेंगे, जितना कि वक्त हमें इजाज़त देगा। पहले मैं उस इन अशार की या इन लाइनों की पहले मैं पढ़ देता हूँ उनको। शायर कह रहा है कि وموجب الصداقة المساعدة ومقتضى المودة المعاصدة المعاصدة या अगर इस तरह से पढ़ेंगे وموجب الصداقة المساعدة ومقتضى المودة المعاصدة وإن من حارب من لا يقوى لحربه جر إليه البلوى। उसके बाद कह रहे हैं इसके बाद है आगे فحارب الأكفاء والأقران فالمرء لا يحارب السلطان وإن رأيت النصر قد لاح لك فلا تقصر واحترس أن تهلك وانتهز الفرصة إن الفرصة تصير إن لم تنتهزها غصة ولا تحتقر شيئا صغيرا محتقر فربما أسالت الدم الإبر البغي داء ما له دواء ليس لملك معه بقاء والغدر بالأهد قبيح جدا شر الورى من ليس يرعى أهدا। काफ़ी अच्छे अशआर हैं। इन अशआर के अंदर भी शायर ने कुछ हिकमत भरी बातें बयान की हैं कुछ, और उसका सलूक आसान सा है इसमें, क्योंकि हिकमत की बातें यहाँ बतानी है, कोई भारी भरकम इस तरह से बहुत ही कोई कलिमात ज़्यादा नहीं है, उसलूब आसान है, इबारतें बिल्कुल सलीस हैं। शायर कह रहा है कि वमूजब उसदाकती मूजब अवजबा माने इसका, अगर हम इस पर सरफी एतबार से करें तो इसको हो जाएगा अवजबा यूजिबो ईजाबन, इसका माना होता है वाजिब करना, ज़रूरी करना। अलमूजिब के माना हो जाएगा वाजिब करने वाला, मूजब ये इसमें मफूल है तो इसका माना हो जाएगा जिस चीज़ को वाजिब किया गया हो। तो अमूजब उस सदाकत यानी कि सदाकत, या सदाकत के माने यहाँ पर है दोस्ती, तो दोस्ती की वाजिब करदा चीज़ ये लफ्जी माना हो जाएगा क्या है अलमुसाअदत, यानी कि दोस्ती इस चीज़ को वाजिब करती है कि किसी दूसरे की मदद की जाए। अलमुसाअदत यहाँ पर ये बाब मुफ़ालत से है, इसकी जो फ़िल माज़ी है साअदा साअदा युसाइदु मुसाअदतन, इसका माना होता है किसी की मदद करना। तो अगर लफ्ज़ी माना करेंगे तो ऐसा होगा दोस्ती की वाजिब करदा चीज़ मदद करना है, यानी कि दोस्ती है अगर किसी आदमी ने किसी से दोस्ती की हुई है तो इस दोस्ती, ये दोस्ती इस चीज़ को ज़रूरी करार देती है कि उस दूसरे आदमी की मदद की जाए। मफहूम काफ़ी आसान है, वाज़ह है, इसमें कुछ ज़्यादा शरह की ज़रूरत नहीं है। और आगे कह रहे हैं व मुक्तज़ल मवद्दति अलमुआज़दा व मुक्तज़ल मवद्दति अलमुआज़दा तू, और अलमवद्दा के माने चाहना है किसी को, यानी कि चाहत या मुराद, यहाँ भी दोस्ती ही माना मुराद है, बस ये है कि दूसरा वाला जो ये दूसरा पार्ट है ये पहले पार्ट की एक तरह से ताकीद कर रहा है, बस उसलूब या अल्फाज थोड़े से बदले हुए हैं लेकिन एक तरह से ये पहले वाले की ताकीद ही है। तो यहाँ पर जो है इक्तज़ा यक्तज़ी इक्तज़ान चाहना मुतालबा करना, तो ये माना हो जाएगा इक्तज़ा। तो मुक्तज़ा माने कि जिसको चाहा जाए, या इक्तज़ा यक्तज़ी माने डिमांड करना, तो मुक्तज़ा माने जिस चीज़ का डिमांड किया जाए। तो
चाहत की डिमांड या चाहत का ये तकाजा हम कह लेंगे, तो वह मुख्तजल मवद्दती, और चाहत यानी यहाँ भी दोस्ती मदद, और दोस्ती का तकाजा ये है कि तआउन किया जाए या किसी की जो है मदद की जाए। तो अलमुआज़दा अलमुसाअदा ये दोनों क्या है, तकरीबन हम माना कलिमात हैं, मुतरादिफ़ एक दूसरे के मुतरादिफ़ हैं, अलमुसाअदतु वलमुआज़दतु। तो आज़दा उन्हें होता है नासरा या साअदा, यही माना है मुआज़दा का भी। अजुद से है, अजुद माने बाजू, और चूंकि मदद करते वक्त आदमी किसी के जो है अपने बाजू का सहारा लेता है, तो इसी से अलमुआज़दा हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि दोस्ती, दोस्ती की वाजिब करदा चीज़ ये है कि मदद की जाए, और दोस्ती का तकाजा है कि तआउन किया जाए। ऐसे करेंगे, वैसे मैंने बताया कि इसका माना और इसका माना दोनों का तकरीबन एक ही है। अगर इसको हम जो है नहवी एतबार से देखें, तो ये मुबतदा खबर की तरकीब है, पहले में भी और दूसरे में भी मुबतदा खबर की तरकीब है। पहले में मूजबो ये मुजाफ है, और अस्सदाकती मुजाफिले हैं, ये मुजाफ और मुजाफिले ये मिल करके मुबतदा हैं, और इसके बाद अलमुसादतो उसकी खबर है। दूसरा तो देखें मुख्तज़ल मवद्दतिल मुआज़दतो, यहाँ भी मुख्तज़ा मुजाफ है, और चूँकि इसमें मकसूर है इसलिए इस पर रफ़ा का इराब ज़ाहिर नहीं, यानी कि इस पर ज़म्मा मुकद्दर है। अलिफ पर अलमवद्दा ये मुज़ाफ़िले है, और मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले मिल करके ये मुब्तदा हैं, और अलमुआज़दा ये इसकी ख़बर है। इसलिए से आसान सी चीज़ है। और शायद फिर आके कह रहा है कि आके और हिकमत की बात है या दानाई की बात कह रहा है या सूझबूझ की बात कह रहा है कि व इन्ना मन हारबा, व इन्ना मन हारबा मन ला यक्वा लहरबुहु जर्रा इलैही बलवा। करें कि वह इन्ना मन हारबा, और जो आदमी हारबा युहारिबु मुहारबतन, इसके माने होते हैं लड़ाई करना, जंग करना। तो वह इन्ना मन हारबा, और जो शख्स लड़ाई करेगा, मन इस पे मौसूल है यहाँ पर, और उसके बाद ये इसका सिला है, मन ला यकवा, कवि यकवा के माने होता है कादिर होना, कुदरत रखना, ताकत रखना। तो मन ला यकवा ऐ मन ला यकवा अलैही, तो अलैही जो है क्योंकि हम जानते हैं कि मौसले जो मौसूल होता है उसके बाद जो सिला आता है, तो सिला के अंदर एक राबित होता है, एक आयद होता है जो कि मौसूल की, इसमें मौसूल की तरफ लौटता है। तो यहाँ पर आयद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ला यकवा के अंदर कोई भी मतलब जो है मन ला यकवा के अंदर जो है कोई भी चीज़ नहीं है जो कि मन की तरफ लौटे। तो यहाँ पर हैज कहाँ, राबित कहाँ है, आयत कहाँ है? आयत यहाँ पर दरहकीकत यहाँ पर एक ज़मीर है जो कि महसूफ है, जो कि ज़मीर मजरूर है। असली इबारत है मन ला यकवा अलैही, मन ला यकवा अलैही। तो अलैही यहाँ पर जो है जो कि जार मजरूर मुतालिक है ला यकवा फेल से, तो अलैही में जो हु की ज़मीर है यही लौट रही है मन की तरफ, तो हो जाएगा। तो इस तरह से ला यक्वा अलैहि ये पूरा जुमला जो जुमलतुस्सिला हो जाएगा, और जुमलतुस्सिला हिया मिनल जुमली अल्लती ला महल्ला लहा मिनल इराब इंदल मुअरिबीन। तो इराब जो मुअरिबीन हैं या कि जो उलमाए नाम हैं उनके नज़दीक क्या है कि जुमलतुस्सिला उसका महलन कोई इराब नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जुमलतुस्सिला हो जाएगा ला यक्वा अलैहि, और उसके बाद मन इसमें मौसूल, ये मौसूल सिला ये क्या हो जाएगा, हारबा का मफूल भी ही हो जाएगा। तो वह इन्ना मन हारबा, और हारबा फेल, और इसके अंदर हुआ की ज़मीर है जो कि हारबा का फ़ाइल है, और मन ला यक्वा अलैहि ये मफूल भी है हारबा फेल का। तो हारबा फेल फ़ाइल और अपने मफूल भी इसमें करके ये क्या हो जाएगा, वह इन्ना मन हारबा, मन इसमें जहाँ पर किसको मान लेंगे, ये इसमें या इसको मुक्तदा मान लेंगे, मन इसमें मौसूल है, और हारबा क्या है, इसके बाद ये पूरा हारबा मन ला यक्वा अलैहि ये पूरा इसका सिला है, मन इसमें मौसूल और सिला ये अब जो जा करके क्या हो जाएंगे, इन्ना का इस्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्ना है, इन्ना का इस्म मन है जो उसके सिला अपने सिला के साथ मिल करके। तो मन यहाँ पर इसमें मौसूल है, मबनी अला सुकून है, लेकिन ये नस्ब के महल में है क्योंकि वो इन्ना का इस्म है। खबर इसकी कहाँ पर है, यहाँ पर है खबर, खबर लहरबुहु जर्रा इलैही अलबलवा। हारबुन के माने लड़ाई, और उसके बाद जर्रा ये जुर्रु माने होता है खींचना, तो जर्रा ये जुर्रु के माने खींचना, जर्रा इलैही यानी किसी की तक किसी की तरफ जो है खींचना, तो जर्रा इलैही यानी किसी किसी तरफ जो है किसी चीज़ को खींचना, जर्रा इलैही अलबलवा। अलबलवा के माने होते हैं
المصيبة الرسيئة. यानी कि बलवा के माने मुसीबत, परेशानी, और ये बलवा मुफ़रद है और इसकी जो जमा आएगी वो आएगी बलावा, बलवा जमउहु बलावा, ऐसे ही जमा बलाविन ये भी आएगा, ऐसे ही बलाया ये भी इसकी जमा आती है बलवा की। तो ये सारे माने इसकी सारी जमाए हैं और इसका जो मफहूम है वो मैंने बताया कि मुसीबत और परेशानी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा जर लहरबुहु जर इलैही अलबलवा, तो उसकी लड़ाई उसके तरफ खींच करके लाएगी किस चीज़ को, परेशानी को, मुसीबत को। इसके ज़माने में क्या होगा कि जो आदमी लड़ाई करेगा एक ऐसे आदमी से जिस पर वो ताकतवर उसकी कुदरत रखता ही नहीं है, जो उसके बराबर नहीं है, तो अपनी तरफ मुसीबत ही खींच के लाएगा। एक आदमी दुबला पतला है और एक किसी मतलब हैवी वेट किसी पहलवान से जो कि अखाड़ों में लड़ते हैं, अगर उससे ही जाएगा लड़ाई करने तो उसका हाशर क्या होगा, अरे उसकी हड्डी पसली तोड़ तोड़ के एकदम बराबर चकनाचूर कर देगा। तो ये मुसीबत और परेशानी ही अपने लिए क्या है, लेकर के आएगा। तो ये हिकमत भरी बात है, यानी कि आदमी को जो है टक्कर नहीं लेना चाहिए किसी ऐसे आदमी से जिससे क्या है उसकी इस्तेदात ना हो, सब्र करना चाहिए जब क्या है वो उसके जैसा हो जाए, बल्कि उसमें इस दरमियान क्या करना चाहिए, इस दरमियान तैयारी करनी चाहिए, अपने आप को जो है प्रमोट करना चाहिए, अच्छे से तैयार करना चाहिए कि उसके मुकाबिल हो जाए, फिर उसके साथ क्या है लड़ाई करे। अगर एक आदमी तो अगर एक साइड क्या है बहुत ही हाई फाई है, बहुत ही सब वैसे जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई एक ग्रुप है, दो ग्रुप के दरमियान लड़ाई है, एक ग्रुप क्या है बहुत ज़्यादा क्या है वो अपने आप को मुख्तलिफ, उसके बहुत सारे जो है फ़नून उसको मालूम है, बहुत सारे आर्ट्स उसको मालूम है, लड़ाई के मात कराटे कुंगफू ताइकांडो बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं, शूटिंग और सारी चीज़ें, बॉडी भेज देते हैं। अगर ऐसे लोग हों, एक तरफ कमज़ोर लोग हों जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो लड़ाई करेंगे तो सारी से बातें हार जाएंगे। तो क्या करना है, तो ऐसे लोगों से, इन कमज़ोर लोगों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सब्र करनी चाहिए, और इस दरमियान में इनको तैयारी करनी चाहिए, इनको भी अपने आप को बिल्कुल उन्हीं की तरह से बनाने की बिल्कुल हर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। जब उस लायक हो जाएं या उसके करीब तर हो जाएं फिर क्या है उनसे लड़ाई करें, कोई हर्ज नहीं है। शायर कह रहा है कि वह इन नमन हरबा मन ला यकवा, और जो आदमी और यकीनन वो शख्स जो लड़ाई करेगा मन एक ऐसे आदमी से, मन ला यकवा अली जिस पर क्या है वो कादिर नहीं है, जिसके ऊपर वो कुदरत नहीं है, यानी कि जिसकी लड़ाई पर वो क्या है कादिर नहीं है, कुदरत नहीं रखता है, तो लहरबुहु जर्र इलैहिल बलवा, तो उसकी लड़ाई उसके लिए या उसकी तरफ मुसीबत ही को, मुसीबत को खींच करके लाएगी, मुसीबत ही लेकर के आएगी और कुछ नहीं लेकर के, यानी कि उसका अंजाम जो होगा वो मुसीबत ही होगा। इसीलिए शायर कह रहा है कि जो कि इसका फिर इसी जगह ये जो बात है पहले वाली लाइन, तो यहाँ अच्छा यहाँ पर जो है तो लहर बहु जर्र इलैही अलबलवा, तो यहाँ पर हर्ब मुजाफ़ है और रुकी ज़मीर मुजाफिल है, मुजाफ़ और मुजाफिल मिलकर ये मुब्तदा है, फिर जर्र इलैही अलबलवा, और ये कि पूरा का पूरा जुमला जो है ये खबर है लहर बहु की। तो जर्र क्या है, ये फेल है, इलैही क्या है जर्र मुतालिक है इसी जर्र से, और अलबलवा मफूल भी है जर्र फेल का। तो जर्र इलैही अलबलवा ये पूरा जुमला क्या है, हर्ब बहु की खबर है, जुमला खबर यहाँ पर क्या है जुमला की शक्ल में है, और वो भी कौन सा जुमला, जुमला फेलिया। और ये जो खबर होती है ना कि जुमलतुल खबर जो होता है ये उन जुमलों में से है जिनका महलन एराब होता है, यानी कि हिया मिनल जुमल अलती लहा महल मिनल एराब, तो इसका जो महलन एराब है और वो एराब क्या होगा, रफ़ का एराब होगा, यानी कि ये अल जुमलतु फी महल अर रफ़, जुमला रफ़ के महल में है, लिअन्नहा खबरुन अनिल मुब्तदा अल्लज़ी हुआ हर्बुहु, तो ये हर्ब हो जो है मुब्तदा है उसकी ये खबर है, और ये मुब्तदा और खबर मिल करके ये फिर क्या हो जाएगा, ये फिर इन्ना की खबर बनेगी, जो यहाँ पर इन्ना जो दिख रहा है ये इन्ना है, तो इन्ना ये है और उसका इन्ना का भी इसमें क्या होगा, मन हारबा मन ला यकवा, इन्ना यहाँ पर है और उसका इस्म है मन हारबा मन ला यकवा, और इस्म ये कैसे है ये बात अभी मैंने बताई है, और उसकी खबर क्या है लहरबहु जर्र इलैही अलबलवा। लाम यहाँ पर जो है ये इसको कहते हैं अल्लाम अलमुज़हलका, अल्लाम अलमुज़हलकतु, यानी कि इसको पिसला दिया गया। दरहकीकत ये लाम अलमुज़हलका इसको क्यों कहते हैं, लाम मुज़हलका इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दरहकीकत शुरू में ये मुब्तदा पर दाखिल होता था, इसकी जगह यहाँ पर थी मुब्तदा पर, लेकिन जब यहाँ पर इन्ना आ गया तो अब इसको यहाँ से ढकेल करके यहाँ ले आया गया खबर पर। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक साथ में एक मुअक्किद यानी कि ताकीद पैदा करने वाला एक जो अदात है वो है इन्ना, और ये जो लाम है ये लाम भी ताकीद का माना ही पैदा करता है, तो इन दोनों को एक साथ क्या है यकजा नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं होता है कलाम अरब में कि दो मुअक्किद क्या है एक जगह रहें। तो जब इन्ना यह इन्ना आ गया
कलमे के शुरू में यानी कि मुब्तदा से पहले, तो फिर इस्लाम को फिसला करके यहाँ ले आ गया, तो अल मुज़ाहलका, इसी कहते हैं अल्लामुल मुज़ाहलका फिल इस्तिलाह अन्नहवी। ये बात हो गई, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये जो बात है दूसरी वाली लाइन, इसी पर क्या है डिपेंड करती है, किसी का नतीजा है। तो शायर कह रहा है कि अल्फा यहाँ पर क्या है, अल्फा वो होना सबबिया, फा यहाँ पर सबबिया है। शायर कह रहा है कि फहारिब अकफा वल अकरान, फहारिब हारब युहारिब माने होता है लड़ाई करना, तो फहारिब अकफा वल अकरान, इसीलिए तुम लड़ाई करो। अल अकफा, अकफा जो है यहाँ पर ये जमा है और इसका वाहिद आती है कुफ़ुन, और कुफ़ुन कहते हैं कि हम पल्ला हम मर्तबा, कोई एक आदमी है तो उसी के जो बराबरी में है, तो ये जो बराबरी में है ये आदमी पहले आदमी का कुफ़ होगा। कुफ़ माने होता है जो बराबर, दो लोग हों दोनों क्या है बराबर हों, चाहे इल्म में चाहे ताकत और कुव्वत में चाहे जो, तो कहेंगे फ़लानुन कुफ़ फ़लानिन फिल इल्म, दो लोग इल्म में बराबर हैं तो कहेंगे फ़लानुन कुफ़ फिल इल्म, फ़लाँ आदमी फ़लाँ का बराबरी है, बराबर है किस में, इल्म में, बहादुरी में, तो फ़लानुन कुफ़ फ़लानिन फ़ी अश्वजा, फ़लाँ आदमी फ़लाँ का जो है बराबरी, फ़लाँ की बराबरी में है किस में, बहादुरी में। इस तरह से और बहुत सारे मिसम कह सकते हैं। तो अलकुफ़ उनकी जमा अकफा यानी कि हम पल्ला या हम रुतबा। उसके बाद का अल अकरान, किरन की जमा अकरान, किरन एक सवाहिद आएगा और यहाँ पर जो जमा है ये है अकरान। तो अकरान के माने क्या हो गया, अकरान के माने मिस्ल नज़ीर, ये माना होता है किरन की जमा अकरान। तो فحارب الأكفاء والأقران فالمرء لا يحارب السلطان, इसीलिए यानी कि जो आदमी ऐसे आदमी से लड़ाई करेगा जिसकी, जिस पर वो कादिर नहीं है, यानी कि जिसकी लड़ाई कर, जिससे लड़ाई करने पर वो कुदरत नहीं रखता है, अगर ऐसा करेगा तो उसकी ये लड़ाई उसके लिए परेशानी ही लेकर के आएगी। इसी वजह से फासबी, इसी वजह से तुम लड़ाई करो किससे, अल अकफा वल अकरान, अपने जैसे लोगों से, अपने हम मर्तबा लोगों से और अपने जैसे लोगों से, अल अकफा अपने हम मर्तबा, हम मर्तबा लोगों से और अपने जैसे लोगों से, इन लोगों से तुम क्या है लड़ाई करो, या तो उनसे लड़ाई करना तर्क कर दो, ऐसे लोगों से लड़ाई करो अगर तुम्हें लड़ाई करना है, या उन जैसे लोगों से अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो पहले अपने आप को इस लायक, उनके जैसे लायक बनाओ, उन्हीं की जैसी जो ट्रेनिंग उनके पास है वैसी ट्रेनिंग करो, वैसे सारे हथियार अपने पास रखो, वैसे सारी चीज़ें करो, तब फिर जा कर के क्या है उनसे फिर क्या है लड़ाई करो। दोनों माना हो सकता है, उधर से इधर से जैसा भी करेंगे। तो शायर कह रहा है कि फहारिब अकफा वल अकरान, इसीलिए तुम लड़ाई करो अपने अपने हम पल्ला लोगों से और अपने जैसे लोगों से, क्योंकि फलमर ओला युहारिब सुल्तान, क्योंकि आदमी नहीं लड़ाई करता है बादशाह से, एक हकीकत है मुसलमान हकीकत है कि आदमी बादशाह से लड़ाई नहीं करता है। बड़े बादशाह तो बादशाह होता है, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी होती है, फौज होती हैं, कमांडो होते हैं, उसके पास सदाएँ बाएँ चलते हैं, तो उसके पास बहुत बड़ा लश्कर होता है, लश्कर जर्रार, तो बादशाह से कोई आदमी लड़ाई नहीं करता है। तो इसीलिए शायर कह रहा है कि तुम ऐसे लोगों से लड़ाई करो, क्योंकि आदमी किसी बादशाह से लड़ाई नहीं करता है, यानी कि किसी अपने से बहुत ज़्यादा बड़े शख्स से लड़ाई नहीं करता है। तो मफहूम इसका वाज़े है और इसमें जो है नबी तबाज़ भी सारी चीज़ें वाज़े हैं, वाज़े हैं। आगे वाले लाइन देखते हैं, शायर कह रहा कि व इन रअयत नसर कद ला हलका फला तुकसिर वहतरिस अन तहलिका, व इन रअयत नसर कद ला हलका, नसर के माने मदद और लाह यलूह के माने होता है ज़हरा यज़हरो, यानी कि ज़ाहिर होना, यानी कि कोई भी चीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हो, तो इसको भी लाह कहते हैं। لاح كما هنا يقرأ زهر لاح يلوح وإن رأيت النصر قد لاح لك كاف ألف جو هي يه وزن بٹھانے کے لیے ہے ورنہ اصل میں ہے لك جار مجرور ہے یہ تو وإن رأيت النصر قد لاح لك اور اگر تم مدد کو دیکھو اس حال میں کہ وہ تمہارے لیے ظاہر ہو رہی ہو چکی ہو فلا تقصر تو تم کیا ہے کوتاہی مت کرو وہاں ڈھلائی مت دے دو اگر جیسے لڑائی چل رہی ہے तुम्हें मदद दिख रही है कि सामने वाला जो सामने वाली जो फौज है वो हार रही है, मदद तुम्हारे लिए बिल्कुल जाहिर होने लगी, तो वहाँ पर तुम कोताही मत करो, फला तो कसिर तुम कोताही बल्कि अपनी लड़ाई को कंप्लीट हो जाने तक क्या है जारी रखो,
वाहतरिस अंतहलिका, और तुम बचो इससे कि तुम हलाक हो जाओ। यानी कि अगर तुम जो है ऐसा करोगे, मैं होता है ऐसा, जैसे कि बहुत कई गजवात में इस तरह से हुआ कि साहबा ने, जैसे कि गजवे उहुद में ऐसा हुआ था कि देखा साहबा ने कि अरे लश्कर तो मुशरिकीन का लश्कर तो पस्त हो गया, ये हो गया भाग, अब हम क्या है छोड़ने, तो इस तरह की बात नहीं होती वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है बुरा अंजाम हुआ था। तो ये माना है कि अगर तुम मदद को देख लो इस हाल में कि तुम्हारे लिए जाहिर हो चुकी हो, तो तुम कोताही मत करो और तुम हलाक होने से क्या है बचो। फिर पढ़ते हैं।